प्रणाम जी। सात वनों की शोभा में विहार करना है, सखियों संग वनों की शोभा का आनंद लेना है, तो सबसे पहले जो प्रश्न दिल में आता है कि सात वन कहाँ पर सुशोभित है, रंग महल की कौन सी दिशा में सात वन शोभायमान है। रंग महल का निशान अक्षधाम का निशान। रंग महल की पूर्व दिशा में सात वनों की अलौकिक शोभा आई है। जिस तरह से सात वन रंग महल के सन्मुख आए हैं, ठीक उसी प्रकार से अक्षरधाम के भी सन्मुख सात वनों की अलौकिक शोभा आई है। यमुना जी के दोनों पार सात वनों की अलौकिक शोभा आई है। यमुना जी की पाल पर खड़े हैं और मुख है रंग महल की ओर, तो इन सात वनों का क्रम कैसे रहेगा? यमुना जी की पाल पर है और मुख है रंग महल की ओर, रंग महल के मुख्य दरवाजे की तरफ, तो इन सात वनों का क्रम कैसे रहेगा? यहां पाल पर खड़ी है, मुख रंग महल की तरफ, तो क्रम रहेगा केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट। हमारे दाएं हाथ से केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट, ये सब वन कितने मंदिर के चौड़े और लंबे आए हैं? ये वन 500 मंदिर के तो चौड़े और 2000 मंदिर के लंबे यमुना जी की तरफ तक आए हैं। यमुना जी जल रौंस कमर वरुची पाल, क्रम देखेंगे केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट की शोभा इस स्थान के ठीक सामने यमुना जी की पाल पर आई है। ये शोभा आगे देखेंगे। अभी दिल में प्रश्न ये उठ रहा है, किन सात वनों में से कौन से तीन वन रंग महल की पूर्व दीवार से लगे हैं? रंग महल की जो दीवार पूर्व दिशा में दोनों चौबच्चों के मध्य 1500 मंदिर की आई है, इनमें कौन से तीन वन लगे हैं? इनमें अनार, अमृत और जांबू वन रंग महल की दीवार के साथ लगते आए हैं, जिनमें से अमृत वन की शोभा जुदा है। ये सभी वन 500 मंदिर के तो चौड़े और 2000 मंदिर के लंबे यमुना जी तक आए हैं। अभी देखा था रंग महल की पूर्व दीवार चबूतरे के साथ लगते हुए तीन वन आए हैं, अनार, अमृत और जामुन। रंग महल के मुख्य द्वार के ठीक सामने किन वन की शोभा है? रंग महल के मुख्य द्वार के ठीक सामने अमृत वन की शोभा आती है। 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा यमुना जी की तरफ, इन वन की क्या विशेष शोभा है? अमृत वन केल, लिबोई, अनार, जांबू और नारंगी के समान ही 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा आया है। शेष वनों का अगर शोभा देखते हैं तो आड़ी खड़ी नहीं रहने से 500-500 मंदिर के लंबे चौड़े चार बगीचे होते हैं, जिनमें दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, जिनकी दो वो तीसरी चांदनी है। प्रत्येक चौक को देखेंगे तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में छह बच्चे। लेकिन अमृत वन में देखेंगे, अमृत वन का जो पहला बगीचा, जो चार बगीचे आए 500 मंदिर के लंबे चौड़े, उनके पहले बगीचे के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की शोभा हुई। अमृत वन के तीसरे हिस्से में रंग महल के मुख्य द्वार के सन्मुख चांदनी चौक की शोभा है।
166 मंदिर का लंबा चौड़ा लाल हरे वृक्ष की शोभा, और धाम दरवाजे के ठीक सन्मुख दो मंदिर की सीढ़ियां, दो मंदिर की चौड़ाई लेकर सीढ़ियां उतरी हैं। उसके ठीक सामने दो मंदिर की चौड़ी रोंस अमृत वन को दो हिस्सों में बांटती हुई यमुना जी की जल रोंस तक जा रही है। इन रोंस आने से अमृत वन में 8 बगीचे हो जाते हैं, 250 मंदिर के चौड़े और 500 मंदिर के लंबे। इनमें भी दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्षाएं हैं। चारों दिशाओं में नहरें और कोनों की शोभा है, नहरों में फूलों की शोभा, चबच्चों से उठती फुहारे। रंग महल की पूरब दीवार के साथ लगे तीन वन, अनार अमृत जांबू। अमृत वन की शोभा देखिए, ठीक मध्य में रोंस जा रही है। रंग महल के धाम दरवाजे के सन्मुख चांदनी चौक की शोभा, दो वनों के मध्य भी रोंसों की शोभा, अभी प्रश्न उठता है कि दो वनों के मध्य रोंस कितनी चौड़ी आई है। जैसे अमृत और जांबू के बीच की बात करते हैं, तो इन दोनों के मध्य कितने मंदिर की चौड़ी रोंस आई है, ये मध्य दो वनों के मध्य दो मंदिर की चौड़ी रोंस आई है, जिनमें एक मंदिर अमृत वन के माने जाएंगे, इधर का एक मंदिर जांबू वन का माना जाएगा। सात वनों की अलौकिक शोभा, बटवन के स्थान पर आई गुंडी कुंज की शोभा, दो वनों के मध्य रोंस की शोभा, दो भूम दिशी चांदनी के वृक्ष दोनों मंदिर के अंतर पर आए, रंग महल के मुख्य द्वार के सन्मुख अमृत वन की शोभा, चांदनी चौक मध्य से रोंस जाती हुई जो पाठघाट को जाती है, जमुना जी जमुना जी की अलौकिक शोभा, पाठ घाट बड़का वृक्ष उसकी बड़वैया और उनमें आए हिंडोले, भूम दर भूम इनकी पांच भूम छठी चांदनी है, ऊंचा जो देहोर समान। पांच भूम छठी चांदनी, सात वनों की अलौकिक शोभा में रूहें रमन करती हैं। पशु पक्षी कई प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। केल वन की अपार शोभा, जांबू वन की अपार शोभा, वनों का सुंदर छत्री मंडल, डिबोई वन की शोभा, दो दो मंदिर की दूरी पर आए वृक्ष और उनके मध्य बने चौक की शोभा, नूरमयी शोभा सात वनों की,
केल वन और बट वन में से बड़ो वन के पांच वृक्ष निकल रहे हैं, तो ये वन पांच होम छठी चांदी के प्रतीत होते हैं। अमृत वन में सभी प्रकार के मेवे आए हैं और जब जल की बूंदियां इन वनों पर पड़ती हैं, उन समय की अलौकिक शोभा। पशु पक्षी कीड़ा करते हुए सभी प्रकार के मेवे फलों के नूरमयी वृक्ष इन वृक्षों के तले जाएं, रूह की इच्छा होते ही फल हाथ में आ जाएगा, लेकिन वन पर फल जो कहते हो लगा हुआ है। सुंदर नूरमयी रोसी वृक्षों का एकल छत्री मंडल, सात वन के वृक्ष पुखराजी रोस वन रोस से आगे पाल पर आए बड़ो वन के वृक्षों से मिलान करते हुए एकल छत्री मंडल जमुना जी के जल चबूतरे तक इन वनों का छत्री मंडल होता है। अत्यंत ही अनुपम शोभा। सखियां रंग महल के जलौखों में बैठ के सात वनों का आनंद लेती हैं। बेहद ही प्यारी शोभा मेरे धाम की।